हेलो बच्चों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक्शन सेंस सर्किट में। जैसे कि अपन लोगों को पता था, जो पिछले लेक्चर में 12th क्लास के जो सिलेबस थे उसके बारे में और उसके कुछ डिफिनेशंस और केमिस्ट्री के जो पिता थे, इंडियन पिता कौन थे और जो विश्व में प्रचलित थे वो कौन से पिता थे, और केमिस्ट्री को जो हम तीन भाग में बांटे थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उन सब का फादर क्या था, कौन था, इस बारे में बता दिए थे। समझ के बात को आप ध्यान दीजिए। आज जो हम आप लोग बताएंगे वो है पदार्थ। बच्चा को बहुत सारा कन्फ्यूज होता है जो सर हम द्रव किसको कहते हैं और द्रव्य किसको कहते हैं और पदार्थ किसको कहते हैं। तो ध्यान समझ लिए, यह दोनों एक ही चीज़ है। यह दोनों मतलब द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही चीज़ है, बात समझ गए। और इसको इंग्लिश में मैटर या सबस्टांस कहते हैं। लेकिन यह जो द्रव है ना, यह द्रव यह पदार्थ की अवस्था है, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी, बात समझ गए। तो अब ध्यान देते हैं, अब यहां देखते हैं जो पदार्थ या द्रव इसको मैटर कहते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक तो है रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। आप जब बच्चा से हम यह बात बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं जब पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो तुरंत बोल देता है सर ठोस, द्रव, गैस बोल देता है, जबकि वो प्रकार नहीं है, वो पदार्थ की अवस्थाएँ हैं। आप ध्यान दीजिए, तो इस चीज़ को हम कैसे दूर करें, भौतिक वर्गीकरण को ही हम अवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भौतिक वर्गीकरण को अवस्था कहते हैं और रासायनिक वर्गीकरण को प्रकार कहते हैं, यानी कि टाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, भौतिक वर्गीकरण जो है इसको अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कुल पाँच है। अगर कोई आपसे पूछे पदार्थ कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप पाँच बताइएगा। जैसे में पहला में ठोस है, द्रव है, गैस है। और देखिए, ठोस, द्रव, गैस तो है, लेकिन अगर गैस में ही जब अति उच्च तापमान पर ज्यादा ग्रहण, सूर्य किस ताप मतलब कौन से अवस्था में है, तो सूर्य अति तापमान बहुत उच्च तापमान पर है, तो वो प्लाज्मा के फॉर्म में दिखाते हैं। और बीसी जो है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसकी इसका उपयोग अभी तक जीवन में संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं, बात यह है जो -273 डिग्री सेल्सियस जिस दिन हम इस प्रकृति में उत्पन्न कर लेंगे, उस दिन ये अवस्था को अपने दैनिक जीवन यूज कर लेंगे, लेकिन अभी तक इसका यूज नहीं हो पाया। जिस दिन आप इतना ताप को यूज कर लीजिएगा इस पृथ्वी पर, उस दिन ये अवस्था भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन किताब में दे दिया है पढ़ने के लिए, तो इससे आपसे पूछे, हम चार पांच क्वेश्चन भी यहाँ दिए हैं। अगर आपसे पूछे जो पदार्थ के कुल कितनी अवस्था है, पदार्थ के कुल कितनी अवस्था है, तो आप बोलिएगा पाँच, लेकिन इसमें तो है ही नहीं है, एक है, दो है, तीन है, तो यहाँ नन ऑफ दीज नहीं मार करके आप तीन में मार दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। समझ बात को, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है जो पदार्थ में कुल, पदार्थ के कुल कितनी अवस्था है, कुल कितने, तब की बार पाँच दिया हो, एक ही सवाल है, तब की बार पाँच मार दीजिएगा, बात समझ गए होंगे। उसके बाद है जो पदार्थ के मुख कितनी अवस्था है, अगर मुख की बात कर दे तो आप पाँच भी है, तीन भी है, मुख मुख्य रूप से तीन ही अवस्थाएँ हैं, इसमें तीन मार दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, रासायनिक वर्गीकरण इसी को प्रकार कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ दो ही प्रकार के होते हैं, एक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं प्योर मैटर, एक को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को ही मिश्रण कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। और यह मिश्रण जो होते हैं मिक्सर, यह दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सर, विसामांगी मिश्रण हेटरोजीनियस मिक्सर। इस सब हम डिटेल चर्चा करेंगे अभी इसी लेक्चर में। उसके बाद है जो शुद्ध पदार्थ जो है प्योर मैटर, यह देखिए दो तरह के होते हैं, तत्व, यौगिक। संसार में आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, चाहे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, तो उसी पर लिखा होता है शुद्ध 100% कॉटन। आप दूध लेने जाते हैं तो कहते हैं शुद्ध दूध है। आप घी लेने जाते हैं तो शुद्ध देसी घी है, लेकिन विज्ञान उसको शुद्ध नहीं कहता है। विज्ञान मात्र दो ही चीज़ को शुद्ध कहता है, वो है तत्व, यौगिक। तत्व, यौगिक दो ही चीज़ शुद्ध है। संसार में जो भी चीज़ विज्ञान सबको अशुद्ध कहता है। तो क्योंकि आप बोलेगा दूध कैसे हम अशुद्ध बोलेंगे, देखिए विज्ञान यह कहता है कोई एक ही चीज़ से मिलके बना होना चाहिए। दूध में विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, खनिज लवण सब कुछ है, तो फिर कहीं शुद्ध हो गया, बहुत चीज़ का मिश्रण हो गया। लेकिन तत्व जो है यह मिश्रण नहीं है,
ये सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बना। हम आगे चर्चा करेंगे सबका। देखिए तत्व हो गया यौगिक यानी एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हो गए। तो तत्व हो गए तीन प्रकार के, एक तो धातु है मेटल, एक तो अधातु है नॉन मेटल, एक उपधातु है मेटलॉइड। उसके बाद आपको यौगिक आ जाते हैं। यौगिक देखिए कंपाउंड बोलते हैं या कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक है। इस चीज को सब आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और इसको सब आदमी लिख लीजिएगा। इसके बाद जो है हम आगे की लेक्चर आपको देते हैं, फिलहाल इसको सब आदमी लिख लीजिए। चलिए सब आदमी लिख लिए, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या दिए, पदार्थ दिए मैटर। देखिए ऐसे परिभाषा वैसा ऐसे हम देते हैं, वो सब ऐसे होता है, थोड़ा हम बोल ध्यान दीजिएगा। तो पदार्थ मैटर है, सब जानते हैं जो दुनिया में हर चीज पदार्थ होता है, जो स्थान सिकता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, जिसे ज्ञान द्रव्य अनुभव उसे पदार्थ करते हैं। लेकिन देख लीजिए आप क्या दिए हैं, वैसी वस्तु इसका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और जो रुकावट डालता है, अवरोध उत्पन्न करता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे आपको ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कॉपी कलम, दुनिया में सब वस्तु पदार्थ। समझ आपके वस्तु क्या होता है, तो आप टेंशन नहीं। देखिए पदार्थ से जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो वस्तु होता है। जैसे मान चलिए हम पैर की बात करें, पैर की तो कौन सी पदार्थ हो गए, उससे उसको काट के हम अच्छा बेंच बना लिए, टेबल बना लिए, पलंग बना लिए, तो वो वस्तु हो गया। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पदार्थ की अवस्था जो है हम आपको बताए थे, जो मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं हैं, तो तीन अवस्था हम आपको दिए हैं, ठोस, द्रव और गैस। जिसमें से हम क्या किए हैं, ठोस को सॉलिड कहते हैं, वो पकड़ के पढ़ रहे हैं। तो ठोस में क्या होते हैं, आकार आयतन, तो आकार और आयतन, तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आपके कैसे माने दोनों निश्चित होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक हम ईंट ले आए, आ ईंट को हम एक बार रूम में रखे, एक बार थारी में रखे, एक बार बाल्टी में, कुछों में रखे, तो ईंट तो उतने आकार में रहेगा। उसके सामने है जो आज नापेंगे तो 4 मीटर हो जाएगा, परसों नापेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा, सेम रहेगा। तो वही चीज़ है जो आकार और आयतन दोनों ईटा के निश्चित हुआ। ईटा कौन चीज़ ठोस है, बात समझ होंगे, वो बात नहीं है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, एक स्ट्रक्चर हम बनाए हैं और यह पदार्थ के छोटे छोटे कण दिए हैं। तो जैसे ठोस कौन हो गए, ईंट हो गए, पत्थर हो गए, कॉपी हो गए, लोहा हो गया, ईंट हो गए। तो इसमें देखिए इसको हम समझाते हैं, या समझाने से पहले थोड़ा यहाँ पर गुण को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ठोस के गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का भी बताए हैं, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। देखिए आकार तथा आयतन दोनों फिक्स होता है। उसके बाद है इसमें अंतरानविक स्थान नगण लगभग ना के बराबर होता है। अंतरानविक स्थान का मतलब यह होता है पदार्थ के दो कण के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो स्पेस होता है, उसी रिक्त स्थान को हम अंतरानविक स्थान कहते हैं। तो आप ही बताइए, तो ये पदार्थ के दो कण है, ये बीच में क्या स्पेस है, ना के बराबर नहीं है, ये नहीं। इसीलिए इसी स्थान के कारण ठोस को तोड़ना या दबाना बहुत मुश्किल होता, कठिन होता है। बस हम एगो लोहा गेंद लेंगे, आप बोलेंगे उसको दबाइए, तो कतनों दबाएगा तो दबेगा जी, बात समझते नहीं समझते, समझ होंगे, ध्यान दीजिए। तो वही बात यहाँ पर देखिए, जो पदार्थ के दो कण के बीच बहुत ही नगण मतलब ना के बराबर है, लेकिन और यहाँ पर दीजिए इसमें अंतरानविक बल सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिए, पदार्थ के दो कणों के बीच में जो बल लगता है उसी बल को अंतरानविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, बात समझ गए। उसके बाद है ठोस का घनत्व अधिक होता है। कहने मतलब ठोस घनत्व, घनत्व का मतलब यह होता है कितना घना होता है, घनत्व मतलब कितना घना होता है, ठोस बहुत घना होता है। घना मतलब कौन चीज, अभी बताइए, हम आपको बोलेंगे जो ऐसे साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल पूरा फास्ट में जा रहे हैं, बीच में कीचड़ आ गया तो आपका सिंगल चार क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो वही बात है, तो वही बात यहाँ देख लीजिए, घना मतलब नज़दीक नज़दीक में कण है, बहुत सारा कण अरेंजमेंट है, तो घना हो गया। घनत्व का मतलब समझते होंगे, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन घनत्व कहते हैं, बच्चे समझ रहे होंगे। तो वही बात यहाँ पर है, और यहाँ देख लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। ठोस को आप जल्दी नहीं गलेगा, आप गला देखिए जल्दी नहीं गलेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसको एम पी शॉर्ट में कहते हैं, अधिक होता है। और इसमें जो है बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अभी बताइए ईटा ले आएंगे, बोलेंगे बह जाइए तो बहेगा नहीं भेगा जी। चलिए इतना आप लोग कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं, समझ बात को, इतना सवाल भी लिखिए जल्दी से, लिखिए। तो चलिए लिख लिए सब। तो उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ठोस पूरा बता दिए क्या गुण है, प्रॉपर्टी सब बता दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, द्रव लिक्विड कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो द्रव में भी आकार और आयतन है, तो आकार देखिए इसका और निश्चित है, आयतन इसका निश्चित है। जैसे पानी हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, तो आपके असर कैसे आकार इसका अनिश्चित होता है, आयतन कैसे निश्चित होता है, ध्यान दीजिए। एगो हम ग्लास लिए, क्या लिए, ग्लास, ग्लास जो ये लिए हैं, ये ग्लास जो इसका आकार है, यहाँ बोतल लिए हैं ये आकार है, बाल्टी लिए आकार, तीन तरह का आकार हम यहाँ लिए हैं। इसमें हम पहले ग्लास में क्या किए, 1 लीटर पानी को डाल दिए, तो 1 लीटर पानी में डाले तो इसको ग्लास था, इसको जब बोतल में डालेंगे तो वो भी तो 1 लीटर ना पानी होगा, 1 से 2 तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका बोतल आकार देखिए चेंज हो गया, तो आकार क्या हो गया, अनिश्चित है। आयतन क्या है, निश्चित है। आयतन मतलब 1 लीटर पानी कितना जगह छेका है,
बात समझ गए, आकार मतलब बाहर से वो देखने में किस रंग रूप का लगता आकार होता है, बात समझ होंगे। तो वही बात है, फिर बोतल यहाँ देखिए बाल्टीन, तो इसी एक लीटर को इस बाल्टीन में डाले तो इसका आकार चेंज हो गया लेकिन आयतन तो वही है, बात समझे आकार कैसे अनुसूचित होता है, आयतन समझ होंगे आप। और एक बात और आप देखे होंगे जो कोई भी बाल्टीन होता है उसमें आप एक कुर्ती उंगली डालते हैं पूरा पानी लबालब भरा हुआ आता है, तो एक कुर्ती उंगली डालते तो पानी नीचा गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देख लीजिए, पहला बात जो आपको बताए हैं गुण, आकार और निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, अंतरानविक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। देख लीजिए अंतरानविक स्थान इसमें ज़्यादा ज़्यादा दूरी पर है, देख लीजिए तो ठोस से क्या हो गया भैया अधिक हो गया। उसके बाद है अंतरानविक बल, तो अंतरानविक बल जो होता है ना ठोस से कम होगा बस, क्योंकि उसमें कण पदार्थ कण नज़दीक नज़दीक में रंज था ये दूर दूर में है, समझ गए होंगे। उसके बाद बहाव, इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है लेकिन ठोस में नहीं होती है। तो आप ही बताइए यहाँ पर जैसे हम एक उंगली देंगे तो ये उंगली देंगे तो ये क्या करेगा ऊपर तो नहीं चल जाएगा, ये बल लगेगा इसको, ये कण इसको लगेगा, ये इसको इस साइड में भी धरा गया, फिर उसको लगेगा, फिर उसको लगेगा, ऐसे करते करते ही ऊपर फेंक देगा। इसीलिए आप उंगली जैसे ही डालते हैं तो पानी बाहर की ओर फेंकते, बात समझ गए होंगे। तो इसको भी ऐसा बात लिख लीजिए, इसके बाद जो है हम आपको गैस की प्रॉपर्टी बताते हैं, सबको लिख लीजिए ओके। चलिए तो सब लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर गैस है, तो गैस का भी आकार आयतन है, देखिए इसका आकार अनिश्चित होगा और आयतन भी अनिश्चित होगा, आपके कैसे ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल में दिए हैं O2H2CO2CO CH4N2, आप ही बताइए अगर हम एक सिलेंडर यहाँ बना दें, मान चलिए मान लीजिए इस एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर ये है, मान लेते हैं एम 5 लड़ता है एम 14 लीटर लड़ता है, आप ध्यान दीजिए तो इसी गैस अगर हम इसमें भरें तो पूरा में भर जाएगा, देखिए 5 लीटर का है, इसमें भरेंगे तो ये भी पूरा को छाँक भर देगा, तो इसका आकार तो निश्चित नहीं होगा। आप इसी रूम में मान चलिए रूम में है और वहाँ हम ऑटो को छोड़ेंगे तो ये जरूरी थोड़े जरूर में भर रहेगा, कहूँ निकल जाएगा गैस, आकार आयतन दोनों इसका अनिश्चित हो गया, बस समझ गए होंगे। इसका जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। उसके बाद देख लीजिए गैस के गुण जो है कुछ प्रॉपर्टी जो गैस जो है इसका आकार था दोनों निश्चित तो बता ही दिए। उसके बाद अंतरानविक स्थान सबसे अधिक होता है, देख लीजिए पदार्थ के दो कण के बीच जो है रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा है इसमें, ठोस से भी और द्रव से भी, और इसका जो अंतरानविक बल है वो नगण्य होता है ना के बराबर एम नहीं लगता, इसीलिए गैस को आसान से आप जो दबा सकते हैं संपीड़ित कर सकते हैं, इसी कारण से आप देखते होंगे बड़े सिलेंडर से भी छोटका सिलेंडर में गैस को संपीड़ित करके भर देते हैं। तो इतना बात यह हुआ, आगे दिन हम आएंगे आगे चीज़ आपको बताएंगे, इतना सब आदमी कंप्लीट कर रखिएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ओके, धन्यवाद।